तो फिलहाल ये खनौरी बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं और पुलिस प्रशासन आगे खड़ा है, तो हाथ में डंडे हैं और अपना सुरक्षा कवच भी साथ मिले हुए हैं, लेकिन पैरामिलिट्री जो फोर्स है पीछे है और कंटीले तार बैरिकेडिंग आगे, लेकिन नीचे आप देख सकते हैं किले गार्ड रखी है, यानी किसान अगर ट्रैक्टर लेकर आएंगे तो किले हैं, ये किले क्रॉस नहीं कर सकते, तो कुछ इस तरह का बनाया गया है। अगर इस तरह की जो ये बैरिकेडिंग की गई है, अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पर या भारत के बॉर्डर पर जो अन्य देश हैं जो संदिग्ध परिस्थितियों में रहा है उनके बॉर्डर पर ये इस तरह की बैरिकेडिंग करी जावे तो शायद हमारे देश के जवान शहीद नहीं हुए, लेकिन जो ये बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं पीछे पैरामिलिट्री फोर्स है और जो मिट्टी डालकर कट्टे भी लगाए गए हैं, ये प्रशासन ने जो ड्रोन के जरिए अपनी नज़र बनाए हुए है किसानों की संख्या को देखते हुए, यानी कितने किसान पहुंचे हैं, और जो बात करें ट्रैक्टर ट्रॉलियों की, क्योंकि हज़ारों की संख्या में यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ या गाड़ियाँ या फिर बाइक से जो बाइकें पहुँची हज़ारों की संख्या में, और किसानों की संख्या को देखें तो बहुत ज़्यादा संख्या में किसान पहुँच रहे हैं, तो ड्रोन की सहायता से जो प्रशासन है शासन प्रशासन लगातार नज़र बनाए हुए हैं। और बात करेंगे जो यहाँ के बॉर्डर के हालात है, आंसू गैस के गोलों की बात करें तो 20 से ज़्यादा पहले चल चुके हैं और अभी लगातार फेंके जा रहे हैं। देखिए ये जहरीली गैस, यानी कई प्रकार के अब की बार कई प्रकार के जो ये आंसू गैस के गोले हैं यूज़ करे जाने लग रहे हैं, तो फिलहाल तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं जो किसान है पंजाब के किसान और कुछ हरियाणा के किसान भी मिलकर यहाँ बॉर्डर जो खनौरी बॉर्डर है जो जींद जिले का दाता सिंह वाला गाँव है वहाँ पर ये बॉर्डर है, और जो बॉर्डर पर अभी स्थिति है वहाँ के हालात हैं ये आप देख सकते हैं, आंसू गैस के गोले जो बार बार फेंके जा रहे हैं। जो किसान नेताओं की बात करें तो किसान नेता भी आगे खड़े हैं, तो लगातार है जो प्रशासन के द्वारा आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, पानी की वो सारी भी की जा रही है, लेकिन किसान जो जहरीले गैस से आसे पासे भी हो रहे हैं, लेकिन आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह के बॉर्डर पर हालात बने हुए हैं, यानी किले गाड़ना, फिर कई प्रकार की जो पत्थर से बैरिकेडिंग है, लोहे की रोड से बैरिकेडिंग, पक्की दीवारें बनाना, या फिर पैरामिलिट्री फोर्स है, या फिर हम कहे तो जो बॉर्डर पर जो कट्टे लगाकर मिट्टी लगाकर यानी इतनी ऊंची दीवार बना रखी है और उस पर जो पैरामिलिट्री के और जो हरियाणा पुलिस के जवान है वो लगातार खड़े हुए हैं, तो स्थिति बिल्कुल आमने सामने की है, दोनों तरफ एक तरफ किसान है दूसरी तरफ जवान है, तो आपस में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इसी तरह शंभू बॉर्डर की बात करें तो वहां पर भी ऐसे ही हालात हैं, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बिल्कुल जो खतरनाक मंजर दिखाई दे रहा है, और लगातार है जो किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आंसू गैस के गोले लगातार फेंके जा रहे हैं, यानी एक दो सेकंड के अंदर आंसू गैस का गोला यहां फेंका जा रहा है, कई लोगों के जो शरीर पर लगे हैं तो वहां से बिल्कुल शरीर भी फट गया जहां आंसू गैस का गोला लगा है। तो साथियों वीडियो को शेयर जरूर करते रहे, कोई नहीं अभी कर लेते हैं। तो अभी जो बॉर्डर के पास में किसान पहुंच चुके हैं, किसान नेता आगे बढ़ रहे हैं और आंसू गैस के गोले हैं जो छोड़े जा रहे हैं, तो बिल्कुल देख सकते हैं, और जो किसान है किसान बिल्कुल बॉर्डर जो खनौरी बॉर्डर की तरफ बढ़ने लग रहे हैं, तो बिल्कुल देख सकते हैं, और प्रशासन के द्वारा जो आंसू गैस के गोले तो देखिए किस तरह छोड़े जा रहे हैं, जो आंसू गैस के गोले वो दागे जा रहे हैं, और किसान अभी किसानों ने अनाउंसमेंट करी थी कि हम 2 घंटे के लिए यहाँ जो बॉर्डर है इस बॉर्डर के पास में बिल्कुल बैठेंगे, और आपको दिखाना चाहेंगे कि जो पुलिस प्रशासन है वो भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा संख्या में मुस्तैद है, और बात करें मिलिट्री की, मिलिट्री भी है, तो देखिए किस तरह ये बड़े बड़े जो आंसू गैस के गोले हैं वो अब की 6 होल वाले ले आए गए हैं, तो वो छोटे जा रहे हैं, तो किसानों की तस्वीर आपको, तो चारों तरफ किसान ही किसान आपको नजर आएंगे। तो ये खनौरी बॉर्डर की तस्वीर आपको, खनौरी बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं, और देखिए हजारों ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ, गाड़ियों के साथ, बाइकों के साथ में किसान पहुंचे हैं, तो जो अभी खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं किस तरह इसको तोड़ा जाएगा, और जो आंसू गैस के घोलों की जो आवाज़ है लगातार कानों में गूंज रही है, दुआ है जो लगभग सभी की आंखों को तंग कर रहा है। तो ये तस्वीर है, तस्वीर आपको लाइव के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है। किसान भी अपनी तैयारी में आए हुए हैं बिल्कुल है, जो जोश जज्बे के साथ में अपने जो रहने का, खाने का, पीने का, सोने की सारी व्यवस्था अपने साथ में लाए हुए हैं, और अभी जो खनौरी बॉर्डर के पास में पहुंच चुके हैं, हज़ारों की संख्या में ट्रक ट्रालियाँ और गाड़ियाँ जो बाइक व्हीकल है, मतलब बहुत सी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, तो खनौरी बॉर्डर की अभी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखते हैं कितनी देर तक ये लोग हैं
जो किसान है कितनी देर तक यहाँ बैठते हैं, उसके बावजूद जो इन्होंने 2 घंटे के लिए बोला कि 2 घंटे हम यहाँ रुकेंगे, उसके बावजूद फिर हम उसके बाद जो दिल्ली कूच के लिए निकलेंगे, जो भी ये लगाए गए बैरिकेड को हटाकर दिल्ली कूच करेंगे, तो जो पटाखों की आवाज़ है जो बार बार आपको सुनाई दे रही है, और जो किसान नेता है वो आगे जो अपनी जो छाती है वो सीना है जो चौड़ा करके आगे खड़े हुए हैं, और जो किसान है वो बिल्कुल पीछे है। 2 घंटे के लिए बैठने के लिए बोला है, लेकिन शासन प्रशासन आंसू गैस के गोले बार बार फेंकने पर लगा हुआ है। जो धुआं है वो भी लगातार जो अपनी आँखों को तंग कर रहा है और जो अपने शरीर को तंग कर रहा है, देखते हैं कितनी देर तक ये जो पटाखे हैं बजते हैं। तो लगातार प्रशासन की तरफ से आंसू गैस के गोले हैं वो फेंके जा रहे हैं, और बिल्कुल देखिए ये जो पुलिस प्रशासन है मिलिट्री है आगे बिल्कुल खड़ी खड़ी, देखिए किस तरह बॉर्डर पर खड़ी हुई है। तो खनौरी बॉर्डर की तस्वीर है जो दाता सिंह वाला बॉर्डर है, देखिए ये पुलिस प्रशासन और किसान बिल्कुल आमने सामने है। पुलिस वाले पीछे थोड़े ही रह गए, तो कड़ा बाज गए गए गोड़े आने लगा, यही आ गया पब्लिक के बीच में, नहीं आऊंगे लगातार हम।